तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में भारी बारिश का असर भी देखिए। तस्वीरें उज्जैन के शिप्रा घाट की है, जहां शिप्रा नदी में भारी बारिश के चलते अचानक जल स्तर पड़ गया। देखते ही देखते घाट के किनारे पर छोटे मंदिर डूबते नजर आए। इतना ही नहीं, पार्किंग में खड़ी कई कारें बहने लगी, जहां मौजूद लोगों ने कारों को जैसे तैसे निकाला। मध्य प्रदेश में उज्जैन नहीं, उज्जैन के अलावा तमाम इलाके जहां बारिश का असर देखा जा रहा है। उज्जैन के बाद सीहोर की तस्वीरें देखिए। सीहोर के शहरी इलाके में हाल ये है कि बाजार में पानी भर चुका है, हर तरफ गली से लेकर सड़क तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक पहले ही उज्जैन और भोपाल संभाग के जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि यहां भारी बारिश हो सकती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में चाहे सीहोर हो या उज्जैन, भारी बारिश जो है वो अपना कहर दिखा रही है। सड़क से लेकर गांव गलियों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। उज्जैन में बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां पर घाट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ऐलान भी किया और लोगों को पानी से सावधान रहने की सलाह भी दी। भारी बारिश के चलते उज्जैन के शहरी इलाके भी जलमग्न होते हुए नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर कुछ दिनों तक और देखने मिल सकता है और खासतौर से भोपाल और उज्जैन के आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल भारी बारिश का असर ये है कि शहर के लोग हों या गांव के लोग, वो बारिश के चलते परेशान हैं। प्रशासन अपनी तरफ से बारिश से निपटने के लिए इंतजाम कर रहा है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ सीहोर से नवीद जाफरी की रिपोर्ट, एमपी तक।